व्हेन बायर रिजेक्ट्स द गुड, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है ना कि अरे कस्टमर ने अगर रिजेक्शन किया तो क्या करेंगे, गुड्स अगर उसने उठाए नहीं तो क्या करेंगे, माल तो वहां पे पहुंचा है, कंटेनर पहुंचा है, लेकिन बायर लेने के लिए तैयार ही नहीं है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन हो सकता है, बट दिस इज द केस, सो व्हाट कैन बी डन इन दैट केस सिनेरियो। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम ऑथर, ट्रेनर, एक्सपोर्टर एंड बिजनेस कोच, एंड इज वर्किंग ऑन अ मिशन टू क्रिएट प्लेटफॉर्म, बिल्ड अ कम्युनिटी, बिल्ड अ नेटवर्क दैट विल हेल्प ईच अदर एंड हाउ वी कैन ग्रो इन द इंटरनेशनल बिजनेस। तो अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले उसको सब्सक्राइब करो, ताकि हम बहुत सारी बातें कर पाएंगे, और यस डेफिनेटली वी कैन हेल्प ईच अदर टू ग्रो इन द बिजनेस। आपके जो भी डाउट्स हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये मतलब प्रॉब्लम्स है एक्सपोर्ट बिजनेस में, एंड आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट। एक और भी बात मैं बताना चाहती हूँ कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए या फिर कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड डेफिनेटली आई विल मेक श्योर दैट कि उस टॉपिक पे आपको मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको हेल्प कर पाऊँ आपकी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। रही बात की बायर अगर गुड्स को रिजेक्ट करता है तो क्या करना चाहिए, या फिर उस सिचुएशन में क्या होता है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू वन केस स्टडी विथ माई ओन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ताकि शायद आपको पता चले कि सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जा सकता है, लॉस से भी प्रॉफिट कैसे बन सकता है। सो मैंने एक शिपमेंट की थी, दुबई के मेरी कंसाइनमेंट थी, जब भी मेरे स्टार्ट ऑफ द करियर की थी, मतलब जब मैंने एक्सपोर्ट को चालू किया था, हमने ओनियन का पहला कंटेनर भेजा था। सो ओनियन हमने नासिक से प्रोक्योर किया था, लासलगांव पिंपरगांव से, और उस कंसाइनमेंट के लिए मतलब मेरा एक फंडा है कि मैं जब भी मेरी कोई कंसाइनमेंट होती है तो मैं वहां पे फिजिकली ग्राउंड पे खड़ी होती हूँ, प्रैक्टिकली मतलब मैं वो सारे सारी चीजें चेक करती हूँ, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस हो पाए कि जो भी मैं बेच रही हूँ वो कैसे है। सो इन दैट शिपमेंट ऑल्सो मैं वहां पे थी, मतलब मैंने वो सारा लोडिंग हो, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग हो, पैकिंग हो, वो सारा मैंने खुद देखा था, और मेरे सामने ही मतलब वो सारा हुआ था। 30 टन मटेरियल हमने मतलब वो 140 फीट कंटेनर, रिपर कंटेनर था, तो उसमें भेज दिया। अभी कंटेनर तो चला गया और वो दुबई को पहुंचा भी, फिर कस्टमर ने वो कस्टम क्लियरेंस किया, फिर कंटेनर ओपनिंग का जो था वो वीडियो मुझे भेज दिया, और फिर वीडियो भेजने के बाद उन्होंने वो मतलब हमेशा दुबई की ये प्रैक्टिस भी है कि कंटेनर ओपनिंग का भी वीडियो भेजते हैं, और फिर वो जो मतलब ओनियन का जो बैग था वो भी वो पूरा खाली करके मतलब जमीन पे ऐसे, फिर उसका भी मतलब फोटो वीडियो आपको भेजा जाता है, ताकि प्रैक्टिकली आपको पता चले कि आपका जो प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किया है वो वहां तक पहुंचने के बाद कैसे रहा अभी, तो उसमें कुछ डैमेजेस हो या फिर कुछ और चीजें हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी कुछ होगा, सो यू कैन सी दैट। अभी जब भी उन्होंने मतलब वो मुझे वीडियो फोटो भेजे थे, तो उसमें मैंने ये देखा कि ओनियन को, कुछ ओनियन को स्प्राउटिंग हुआ था, और उस बैग में अगर मतलब 20 20 केजी के मेज बैग में हमने वो एक्सपोर्ट किया था, तो 20 केजी के मटेरियल में मतलब कुछ मटेरियल ऐसा निकला, कुछ ओनियंस ऐसे थे कि जिसको स्प्राउट हुए थे। अभी सरप्राइजिंग क्वेश्चन ये था कि स्प्राउटिंग कैसे हुआ, दूसरी बात ये है कि स्प्राउटिंग हुआ मतलब उसी बैग को हुआ था या कुछ अलग बैग्स भी हुआ था या फिर कितने सारे बैग्स को हुआ था। तो उन्होंने मुझे वीडियो मतलब कंटेनर का भी दिखाया था, सो बहुत सारे ओनियन के बैग में से वो स्प्राउट्स बाहर आए थे, तो वो भी मुझे दिख रहे थे उसमें। और दूसरी बात फिर कितने बैग्स में हुआ था, तो कुछ नंबर ऑफ बैग्स ऐसे थे कि जहां पे ओनियन को स्प्राउट हुआ था, लेकिन पूरे कंटेनर में ओनियन को स्प्राउटिंग नहीं हुआ था, सो वो भी मैंने इंश्योर किया उनसे। फिर मतलब मैंने जाके एनालिसिस किया कि अभी देखो, अभी डिस्प्यूट की बात आई कि सच में वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो ये भी क्वेश्चन हमारे मन में आएगा कि वो वही वीडियो दिखा रहा है हमारे कंटेनर का है या दूसरे किसी कंटेनर का है, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी में। लेकिन फिर भी मैंने चलो बिलीव किया कि मेरा कस्टमर सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, वो मुझे सच्ची बता रहा है। अभी इसमें ये था कि अभी इसके आगे क्या, कि रिजेक्शन करे या फिर वो उसको मुझे पैसे नहीं देगा, या फिर वो सेटल कैसे किया जाएगा। फिर इस पूरे केस में हमने ये डिसाइड किया कि चलो कितने बैग्स को ऐसे हुआ है, तो उन्होंने हमें काउंटिंग करके नंबर ऑफ बैग्स बता दिए कि इतने बैग्स को आपका स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन का प्रॉब्लम है और बाकी सारे बैग्स में कोई इशू नहीं है, मतलब स्प्राउटिंग नहीं हुआ है। ओके, अभी इस केस में उन्होंने हमें कहा कि वो जो कस्टमर है मेरा वो सुपरमार्केट को सप्लाई करता था, अभी सुपरमार्केट के तो ऐसे ओनियंस तो भेजे नहीं जा सकते थे, तो फिर उनको मतलब वो स्प्राउटिंग वाले ओनियंस बाजू निकालने पड़ेंगे और फिर वो सारी बैग पैकिंग है वो मतलब एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अभी इस केस में उन कस्टमर को मतलब ये डबल खर्चा करना पड़ेगा, मतलब लेबर लगाने पड़ेंगे, ग्रेडिंग सॉर्टिंग करना पड़ेगा, और फिर बैग अगर अच्छे से निकली तो ठीक, नहीं तो फिर बैग का खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सो दिस इज देयर कॉस्ट, राइट। तो अभी हो सकता है कि वो बोलेंगे मुझे कि आपका प्रॉब्लम है, आपके वजह से ये हो रहा है, तो हम तो पैसा काटेंगे ही और ये इतना खर्चा एक्स्ट्रा भी लगेगा, सो इट मे बी द सिचुएशन ऑल्सो,
बट स्टिल मैंने उनको मतलब ये कन्विंस किया कि जो भी मतलब थे वहां पे, कि मैं उस टाइम पे फिजिकल प्रैक्टिकली अवेलेबल थी लोडिंग के टाइम पे, एंड आई हैव सीन दैट इन माय आईज कि वो ऐसे कोई ओनियन नहीं गया है। बट हो सकता है कि एक मतलब कुछ लॉट में ड्राई ओनियन लेना चाहिए था तो वहां पे वेट ओनियन गया होगा और वो रिफर कंटेनर से गया, इसके वजह से स्प्राउटिंग होने के चांसेस शायद बढ़ सकते हैं, दिस मे बी द केस। लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट कंसाइनमेंट के लिए ख्याल रखेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट कि ऐसी चीजें ना हो एंड वी विल इंश्योर द बेस्ट क्वालिटी ऑल्सो। तो ये हमने उनको कन्विंस किया। फिर हमारे कस्टमर ने ये बताया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो जो लेबर ग्रेडिंग सॉर्टिंग के है उसकी कॉस्ट हम बेयर करते हैं, बट जो रिजेक्शंस होंगे उसकी कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा। और उस कंटेनर में हमारे मतलब वो कटिंग हो गया, सो 5% का मतलब जो भी था वो ओनियन का जो रिजेक्शन था उसका हमें माइनस करके ही पैसा मिला उस कंटेनर में। बट मैं ये भी कहूंगी प्रैक्टिकली आई हैव विन द ट्रस्ट ऑफ दैट कस्टमर, तो एक लॉस से मेरे कितने सारे फायदे हो गए या फिर कितना प्रॉफिट हमने कमाया, क्योंकि एक कंटेनर का ये सेटलमेंट हुआ, विन विन में हमने सेटल कर दिया, ट्रस्ट दोनों ने एक दूसरे का जीत लिया, और इसके वजह से मेरे इवन महीने के 4 कंटेनर्स भी मैंने उसी कस्टमर को एक्सपोर्ट किए हैं। सो दिस इज द केस एक्चुअली। सो ऐसे नहीं होता कि हमेशा ही बायर फ्रॉड होता है और वो रिजेक्ट करता है। एक हो सकता है कि आपको वो चेक करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आप अपने बायर के साथ कैसे जा सकते हो ताकि उसका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, क्योंकि हमें आगे ट्रेड को बढ़ाना है, मतलब वो एक ही कंटेनर बेच के शांत नहीं बैठना है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। लेकिन अगर बायर रिजेक्ट करता है तो आपको ये तरीके मतलब आपको एनालिसिस में जाना पड़ेगा कि रिजेक्शन की वजह क्या है। हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ डैमेजेस हो सकता है हैंडलिंग के कुछ लॉसेस हो सकता है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कुछ लॉसेस हो, तो एक्चुअल में सच में कमोडिटी का लॉस हुआ है और इसीलिए बायर रिजेक्ट कर रहा है या फिर बायर जानबूझ के झूठ बोल रहा है, तो उसके लिए मॉनिटर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मेंटेन अ प्रूफ, जब भी आप लोडिंग करते हो, ग्रेडिंग सॉर्टिंग करते हो, कंटेनर में स्टफ करते हो, तो उन सारी चीजों के प्रूफ होने चाहिए आपके पास। वीडियो हो सकते हैं, फोटोज हो सकते हैं, हर स्टेप के फोटोज निकाल के रखो, हर स्टेप के वीडियोज निकाल के रखो, ताकि ये आपका ही प्रोडक्ट है, ये आप कॉन्फिडेंटली प्रूव कर पाओगे। कंटेनर के साथ भी वीडियो निकाले जाते हैं, वन डोर ओपन करके, टू डोर्स ओपन करके निकाल के भी, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। सो फॉलो दैट सिस्टम, फॉलो दैट प्रोसीजर इन द एक्सपोर्ट बिजनेस एंड डेफिनेटली यू कैन अवॉइड सच काइंड ऑफ लॉसेस। और अगर कुछ होते भी है तो चीजों को शांति से मतलब निपटाओ, सेटलमेंट कैसे कर सकते हो या फिर आपको ट्रस्ट कैसे जीता जा सकता है ताकि हमारा बिजनेस आगे बढ़े। सो दिस इज ओन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई हैव शेयर्ड यू एंड डेफिनेटली वी हैव लर्न मतलब गेन दैट कस्टमर एंड वी हैव डन द शिपमेंट्स ऑफ ऑल्सो टू दैट कस्टमर। सो दिस इज द वे एक्चुअली हाउ यू कैन अवॉइड द लॉसेस इन द बिजनेस। सो आपके साथ भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हो तो जरूर शेयर करो। इफ यू हैव एनी डाउट एंड एनी थिंग इन द कमेंट बॉक्स, पुट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल हेल्प यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड हाउ यू कैन हेल्प यू टू ग्रो इन द इंटरनेशनल बिजनेस। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन जॉइन माई फ्री वेबिनार www.kdsushma.com/bookdown। यू कैन चेक फॉर द लाइक शॉर्टेस्ट वीडियोज के लिए और बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो, जहाँ पे हम बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो डालते हैं जिससे आपको छोटे में भी बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एक्सपोर्ट में आगे जाने के लिए। सो लर्न दैट थिंग्स, फॉलो द प्रोसीजर्स, टेक एक्शन एंड स्टार्ट यूर एक्सपोर्ट जर्नी। जय हिंद।